नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम कलर ऑफ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही अच्छा सा संदेश परक शिक्षा पर पाठ लेकर आया हूँ। पाठ 3, जब मैं पढ़ता था। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहिंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। प्यारे बच्चों, हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनते हैं। आज के इस आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी में, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास सिम कार्ड, हमारे पास डेटा है, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं करते। हम उल जलूल ना जाने कहां कहां की फिल्में, नाटक, कार्टून में अपना समय बर्बाद करते। जबकि आप जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने बचपन में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनी, बहुत अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छा पढ़ना चाहिए। गांधी जी कहते हैं, मैंने सप्त हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आते थे। बार बार मेरे मन में ये बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने हरिश्चंद्र की कहानी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी पोस्ट की है, आप उसे जरूर सुने। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल दी। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। और हाँ बच्चों, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये विद्यार्थी के गुण होते हैं। एक भूल की राजा सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर होने की जरूरत नहीं। गांधी जी ऐसा सोचते थे बचपन में कि पढ़ाई में अच्छा लेख होने की कोई आवश्यकता नहीं। जबकि नहीं, एक अच्छे विद्यार्थी का और अपने जीवन में सफल होने के लिए अच्छा लेख होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। ये गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। गांधी जी अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए थे। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा एक जरूरी अंग होता है और हमें प्रतिदिन सुलेख करनी चाहिए। अब इस लॉकडाउन के पीरियड में हम घर पर हैं, हमारे पास काफ़ी समय, तो कम से कम एक पेज प्रतिदिन सुलेख करनी चाहिए। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आवरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर जाते। क्षमा करें, अपने आचरण की तरफ। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें, तो ये मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए। मेरा मन इन चीज़ों में ना लगता। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी।
उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए थे कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक सोमवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चला। बादलों से धोखा खा गया, जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात बता दी उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। उसके आगे क्या होता बच्चों, चलिए देखते हैं। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूँ, कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। इनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान है और बराबर हैं। बापू ने जाति पात ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव को व्यर्थ बताया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं और दूंगा जिसमें मैंने महात्मा गांधी जी का चित्र बनाया, आप उसे देखें और उससे कुछ सीखें। चलिए कुछ इसके प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। अप्रसन्न, नाराज, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, अनिवार्य जो टाला ना जा सके, असह जो सहन करने योग्य ना हो, गर्व, अभिमान, अरुचि, रुचि ना होना, बाइस को तस्वीर दिखाने का एक यंत्र। गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया, हमेशा सत्य बोलने का। सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे, बचपन में वो यही सोचते थे कि इसका शिक्षणकार से या अच्छे अक्षर होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरी सोच गलत थी। इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता। गांधी जी सत्यवादी थे और गांधी जी असावधानी नहीं बरतना चाहते थे और गांधी जी अपने लेख के प्रति भी सजग थे और उन्होंने ऐसा बताया कि हमारा लेख अच्छा होना चाहिए। इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं, सुंदर लिखावट, खेलना और व्यायाम, प्रातकाल भ्रमर, सत्य बोलना। बच्चों आप इसको लिखें अपनी कॉपी में और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। अगर आप कोई कहानी या कविता सुनना चाहते तो आप ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप कोई चित्र बनाते तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984381393 पर जरूर भेजें, उसमें जो भी करेक्शन जो भी सुधार हो सकता है हम आपको बताएंगे। आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं और जुड़ जाएं आल सब्जेक्ट के परिवार से। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।